दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं 40,000 रुपीज के प्राइस रेंज के अंदर, जिनमें आपको डिसेंट स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। जो भी लैपटॉप्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनमें 11 जनरेशन i3 प्रोसेसर, 8GB की रैम, 256GB की SSD प्लस 1TB की HDD, फुल HD डिस्प्ले और अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाती है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑनलाइन लेक्चर मीटिंग्स अटेंड करते हैं या फिर स्टूडेंट है जो कॉलेज प्रोजेक्ट्स और बेसिक कोडिंग एडिटिंग के लिए 40,000 के आसपास एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी लैपटॉप्स की डिटेल स्पेसिफिकेशन और जानेंगे इनमें से कौन सा लैपटॉप किसके लिए लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है Lenovo IdeaPad Slim 3। दोस्तों ये सभी सेम लैपटॉप्स डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, मॉडल नंबर और प्राइस के साथ आते हैं, इसलिए इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जिनका बजट 40,000 से भी कम है यानी 35,000 के आसपास है, उनके लिए ये लैपटॉप सही रहेगा। या तो स्लिम और लाइट वेट डिजाइन के साथ, इसका वेट सिर्फ 1.7 kg है जो कैरी करने के लिए काफी आसान और कंफर्टेबल है। या तो 15.6 inches के एंटी ग्लेयर HD डिस्प्ले के साथ। बात करें इसके बाकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आता है इंटेल i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर जिसमें इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसमें 1TB की हार्ड ड्राइव मिलती है और 8GB की DDR4 रैम मिल जाती है जिसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसी के साथ इसमें विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिलती है और MS Office 2021 का लाइसेंस वर्जन मिल जाता है। इसमें 1.2 watts के डुअल स्पीकर आते हैं और ये डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई, HDMI पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 1 USB 2.0 पोर्ट मिलता है। इसमें 2 सेल लिथियम आयन बैटरी आती है जो 7 आवर्स का बैटरी बैकअप देती है। या तो 35,000 की प्राइस के साथ इस प्राइस में आपको इसमें अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। इसमें आपके सभी डे टू डे टास्क आराम से हो जाएंगे, चाहे वो नेट सर्फिंग, प्रेजेंटेशन, कॉलेज प्रोजेक्ट्स और ऑफिस वर्क। इसमें बिना किसी इश्यू के ये सभी काम आसानी से हो जाएंगे। अगर आपका बजट कम है और इस प्राइस में आपको एक डिसेंट लैपटॉप चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसलिए Lenovo IdeaPad Slim 3 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Dell Vostro 3400। यह आता है कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन के साथ। इसका वेट सिर्फ 1.6 kg है जो इस लिस्ट के सबसे लाइट वेट लैपटॉप में से एक है। यह आता है 14 inches की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको 1080x1920 का रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें डिस्प्ले क्वालिटी शानदार मिल जाती है। बात करें इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आता है नेक्स्ट जनरेशन इंटेल i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर जो कमाल की परफॉर्मेंस देता है। इसमें आपको 256GB की SSD मिलती है और 1TB की HDD मिलती है। SSD होने के कारण इसका बूट टाइम फास्ट हो जाता है। उसी के साथ इसमें 4GB की DDR4 रैम मिल जाती है जिसे आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। यह आता है विंडोज 10 और MS Office के लाइसेंस वर्जन के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, HDMI पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 1 USB 2.0 पोर्ट मिलता है। इसमें 3 सेल लिथियम आयन बैटरी आती है जो 4 आवर्स का बैटरी बैकअप देती है। यह आता है 39,000 की प्राइस के साथ। इसमें i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर और SSD होने के कारण इसमें आपको डे टू डे टास्क में लैग फ्री और फास्ट एक्सपीरियंस मिलता है। इस वजह से Dell Vostro 3400 इन स्पेसिफिकेशंस के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है डेल का ही लैपटॉप डेल इंस्पिरियन 3511। ये भी लाइट वेट डिजाइन के साथ आता है और इसमें सभी लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं, जिसका वेट 1.8 kg है। यह आता है 15.6 inches की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1080x1920 का रेजोल्यूशन मिलता है। यह भी आता है इंटेल i3 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यह आता है 1TB के HDD के साथ। इसमें SSD नहीं मिलती लेकिन 8GB की रैम मिल जाती है, जिससे इसमें प्रोसेसिंग स्पीड काफी अच्छी मिल जाती है। इसमें लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 का लाइसेंस वर्जन मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, HDMI पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 1 USB 2.0 पोर्ट मिलता है। इसमें 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो 4 आवर्स का बैटरी बैकअप देती है। यह 37,000 रुपीज के प्राइस के साथ। प्राइस के हिसाब से इसमें आपको शानदार फीचर्स मिलते हैं, जिसमें इंटेल i3 11 जनरेशन प्रोसेसर और 8GB का रैम कॉम्बिनेशन कोई भी टास्क आसानी से करने में कैपेबल है। इसमें आप थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसलिए डेल इंस्पिरियन 3511 इन स्पेसिफिकेशंस के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों नंबर 2 और नंबर 1 के लैपटॉप 40-41,000 के आसपास देखने मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस और कंप्लीट पैकेज के साथ आते हैं, जिनमें आप थोड़े बहुत हाई लेवल के काम कर सकते हैं। तो नंबर 2 पर आता है Asus VivoBook 14 2021 एडिशन। ये भी एक कॉम्पैक्ट ऑलराउंडर लैपटॉप है जिसमें आपको सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स मिलते हैं। यह आता है कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन के साथ, जिसका वेट सिर्फ 1.6 kg है। यह आता है 14 inches की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1080x1920 का रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें आता है इंटेल i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 256GB की SSD और 1TB की HDD मिलती है और 8GB की DDR4 रैम मिल जाती है जो 3200 MHz पर क्लॉक है। इसमें ज्यादा स्टोरेज के साथ अच्छी रैम और SSD होने के कारण लैपटॉप काफी फास्ट बूट हो जाता है। इसमें आपको लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, HDMI पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 2 USB 2.0 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें 2 सेल लिथियम आयन बैटरी आती है जो 6 आवर का बैटरी बैकअप देती है। यह 41,000 रुपीज की प्राइस के साथ, जो कार्ड ऑफर के साथ 40,000 के अंदर मिल जाता है। ये एक कंप्लीट
बजट लैपटॉप है जिसमें आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। इवन थोड़े बहुत मॉडरेट यूजर्स में एडिटिंग या कोडिंग में भी ज्यादा इशू नहीं आएगा। अगर आपका बजट 40,000 है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा। इसलिए Asus VivoBook 14 इन स्पेसिफिकेशंस के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर आता है लेटेस्ट HP 15S। दोस्तों ये इस लिस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है जो काफी अच्छे प्रोसेसिंग पावर के साथ आता है। अगर आप थोड़े बहुत हेवी यूजर्स के लिए इस प्राइस में लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, जो हर काम करने में कैपेबल है। उसी के साथ इसमें इनबिल्ट एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है। यह तो स्लिम और लाइट वेट डिजाइन के साथ, जिसका वेट सिर्फ 1.7 kg है। इसमें आती है 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जिसमें 240 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। यह तो राइजन 3 5300U इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ और उसी के साथ AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जिसमें आप डिसेंट लेवल की फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग कर सकते हैं। इसमें आती है 512 GB की NVMe M.2 SSD जो SATA SSD से काफी फास्ट काम करती है। उसी के साथ इसमें 3200 MHz की 8 GB DDR4 RAM मिल जाती है। इसमें आपको बेस्ट प्रोसेसर, RAM और SSD का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यह लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस 2019 के लाइसेंस वर्जन के साथ, और इसमें आपको मैकफी का एंटीवायरस भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, HDMI पोर्ट और 2 USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं। यह 3 सेल लिथियम आयन बैटरी के साथ जो 6 आवर का बैटरी बैकअप देती है। यह 41,000 के आसपास देखने मिलता है, जिसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन कार्ड ऑफर के साथ 40,000 के नीचे आराम से मिल जाता है। इस प्राइस में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसमें एडिटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग और गेमिंग में कोई इशू नहीं आता, सभी काम आराम से हैंडल कर लेता है। अगर आप एक पावरफुल लैपटॉप इस प्राइस में चाहते हैं जिसे आप आगे चलकर अपग्रेड भी कर सकते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसलिए HP 15S इस स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं 40,000 रुपीज के प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।